وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قد أتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جلسے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. تلاوت فرمائیں گے قاری عبداللہ بھاگلپوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. صدق الله العظيم. मौजिज सामीन कराम, आप सबका खैर मकदम करते हैं। हम अपने मेहमान खुसूसी और आज के खतीब इज़्ज़त माब डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी पुरजोश इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक, जो कि एक मशहूर मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, आज अपने और गैर इनको मुख्तलिफ अलकाब जैसे इस्लामिक स्कॉलर, तकाबुली मजाहिब का माहिर वगैरह से मौसूम करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को इस्लाम और तकाबुली मजाहिब का एक तालिब इल्म ही समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अल रसूलिल्लाह व अला आलि व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अहले किताब तआलू इला कलमतिन सवाइन बैन बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैयअ वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फंतवल्लौ फकुल शदु बिअन्न मुस्लिमून। रब्बि शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। जनाब मुनव्वर पीर बाह साहब, जनाब अनवर मुख्तार साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जिस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम ने कहा था, जिसका जिक्र है बाइबल में गॉस्पल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 36 में, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम हिब्रू में सबका खैर मकदम करते हैं सलाम अलैकुम, और अरबी में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और उर्दू या हिंदी में इसका तर्जुमा है सलामती हो आप सब पर। इस तकरीर का मौजू है इस्लाम और ईसाइत में यकसानियत। मैं तकरीर शुरू करने के पहले ये वाज़े करना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेज़ी में ही करता हूँ। चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइज़र इसरार करते हैं तब मैं कोशिश करता हूँ मेरी कमज़ोर उर्दू या हिंदी में तकरीर करूँ, जैसे कि आज का मौका है।
आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंग्रेजी जबान पर महारत है जो उर्दू जबान या हिंदी जबान पे नहीं है। इसीलिए जाहिर है कि इस तकरीर में मैं गलतियां करूंगा, इसीलिए मैं आप सबसे तकरीर के शुरू में माजरत चाहता हूं इन गलतियों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और आप तकरीर के मवाद, तकरीर के पैगाम पर तवज्जो देंगे। आज के तकरीर का मौजू है, जैसे मैंने कहा था, इस्लाम और ईसाइत में यकसानियत। मैं आज उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई जानता है, लेकिन मैं उन यकसानियत का जिक्र करूंगा जो आम मुसलमान और आम ईसाई नहीं जानता कि ये दोनों मजाहिब में मौजूद है। इस्लाम लफ्ज आया हुआ है लफ्ज सलम से, जिसके मानी हैं सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज सिल्म लफ्ज से भी आया है, जिसके मानी हैं अपनी रजा अल्लाह सुबहाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी हैं अमन, सलामती हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, वह इम मिन उम्मत निल्ला खिलाफ नजीर, नहीं है कोई भी उम्मत जिसमें हमने एक खबरदार करने वाला, एक पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वली कुल्ली कौम इन हाद, और हर कौम में हमने एक हिदायत देने वाला भेजा। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 पैगंबरों के नाम हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कोई भी मुस्लिम मुस्लिम नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस्लाम में फर्ज है कि मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, एक महान पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजजा के जरिए पैदा हुए,
बिना कोई वालिद के, बिना कोई पिता के, जो बहुत से मॉडर्न डे क्रिश्चियन आज नहीं मानते, मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुभाना व तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने अंधों को रोशनी दी और कोढ़ को सुधारा अल्लाह सुभाना व तआला की मदद से। इस्लाम में ईसा अलैहि सलाम को मानना फर्ज है। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन अल्लाह सुभाना व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, हम कुछ पैगंबरों के किस्से इस कुरान में बयान करते हैं और कुछ पैगंबरों के नहीं। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र आता है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह सुभाना व तआला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, और इसका जिक्र अहमद इब्ने हंबल में भी है जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 265 एंड 266। यहां अल्लाह सुबहाना व ताला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में, लेकिन जितने भी पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहि सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहि सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी यह पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहि सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। कई जगह लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है, ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं अपने अपोसल से, अपने साथियों से, कहते हैं गो इन नॉट इन टू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, जेंटाइल्स के पास मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल। ईसा अलैहि सलाम फरमाते आप मत जाइए गैर यहूदी के पास। एंटर ही नॉट इन टू द सिटी ऑफ द सैमरिटींस, आप सैमरिटींस के शहर में मत जाइए। बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल, लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए, मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे, लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाखिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि
वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्किरा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह आराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद, और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। अब हम तस्किरा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहि सलाम से, आई शैल रेज दी अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग थे ब्रदरिन लाइक अन टू दी एंड आई शैल पुट माई वर्ड्स इन टू हिज माउथ एंड ही शैल कमांड ऑल दैट आई से। खुदा कहते मूसा अलैहि सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके ब्रादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा। ये पेशन गई, कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है। और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहि सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे। और वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और दोनों यहूद थे। अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहि सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहि सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे। मिसाल के तौर पर डैनियल, आइज़ाया, एज़ेकील, सोलोमन, जॉन, में पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं, हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है आई शैल रेज द प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रदरिन, एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा। और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं, और आगे लिखा है
लाइक अंटू दी मूसा अलैहि सलाम जैसा। हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे, दोनों के वालदा थे और वालिद थे। लेकिन ईसा अलैहि सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजजा से पैदा हुए। इट वॉज अ मिरेकुलस बर्थ। उनकी वालदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे। ईसा अलैहि सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे, हम जब बाइबल पढ़ते हमें पता लगता है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी, दे हैड अ नेचुरल डेथ। लेकिन ईसा अलैहि सलाम ही डिड नॉट डाई नेचुरली, उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी। कुरान मजीद में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ। हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम की मौत नहीं हुई, और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरे दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसीफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे। ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें। लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया, उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहि सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे, उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की। लेकिन ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहि सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए, वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। इससे यह पता लगता है कि यह पेशनगोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और इसके बाद लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा। इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशनगोई कई जगह पे है। अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएंगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं।
बिल्कुल ये वाक्या पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा ना बेकारी, मैं अनपढ़ हूं। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। कई भविष्यवाणी हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट में। वक्त कम होने की वजह से इसका तस्किरा नहीं कर सकते, लेकिन यह कहूंगा कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टमेंट में। इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है, हिक्को ममितकिम विकुल्लु मुहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टूगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड ओ डॉटर ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टूगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है ए यरूशलम की बेटियों। इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम, तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम, तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मद इम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मद इम। अब हम तस्किरा करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मैं मेरे वालिद से, पिता से दुआ करूंगा आपके लिए एक सहायक भेजे। इंग्लिश में है आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर, एक मददगार भेजने के लिए मैं दुआ करूंगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में वर्स नंबर 26 में, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. Jab mere walid ek sahayak, ek madadgar aapke liye bhejenge, to wo aapke saath hamesha rahega. Gospel of John mein zikr hai, chapter number 16 mein, verse number 7 mein, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. इसके मानी है इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, आपके लिए बेहतर है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, फॉर इफ आई गो विल ही कम, क्योंकि जब मैं जाऊंगा वो आएगा, व्हेन आई गो शैल ही कम, नेवर्थलेस आई टेल यू द ट्रुथ, इट इज एक्सपीडियंट फॉर यू दैट आई गो अवे, फॉर इफ आई गो नॉट अवे ही शैल नॉट कम, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा वो आएगा। इसकी शर्त है ये कंफर्टर, ये सहायक, ये मददगार कि आने की शर्त है कि ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया से जाएंगे, फिर वो कंफर्टर, वो सहायक आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भविष्यवाणी होली स्पिरिट की तरफ इशारा कर रही है, रूह कुद्दूस की तरफ इशारा कर रही है। इस भविष्यवाणी की शर्त है कि ये कंफर्टर, ये मददगार, ये सहायक तब आएगा जब ईसा अलैहि सलाम जाएंगे, जब तक वो नहीं जाएंगे ये कंफर्टर, ये मददगार नहीं आएगा। हम जानते हैं कि रूह कुद्दूस, बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा अलैहि सलाम के पहले थे, ईसा अलैहि सलाम पैदा होने के पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि ही वॉज देयर इन द वूम ऑफ एलिजबेथ, एलिजबेथ के पेट में जब यहया अलैहि सलाम थे रूह कुद्दूस मौजूद थे, और जब ईसा अलैहिस्सलाम बैप्टाइज हो रहे थे उस वक्त भी रूह कुद्दूस था। तो इसीलिए यह भविष्यवाणी रूह कुद्दूस, होली स्पिरिट की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इसके अंदर जो लव इस्तेमाल किया गया है
इन द न्यू टेस्टमेंट जो ग्रीक लफ्ज है वो है पेरिक्लेटोस, जिसके मानी है प्रेज़वर्दी, जो तारीफ के काबिल है, उसे चेंज किया गया है टू पैराक्लेटोस। पेरिक्लेटोस को चेंज किया पैराक्लेटोस, और पैराक्लेटोस के मानी है, उसका तर्जुमा करते हैं बाइबल में, कंफर्टर, सहायक, मददगार। जो भी है, ये सारी मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर तौर पर फिट होती है, जचती है। इसीलिए ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और आगे लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12-14 में, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. इसमें साफ लिखा है, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। बनी इसराइल से कहते हैं, मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप इस बात को अब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो जब आएगा वो आपको सारी हकीकतें बताएगा। वो अपने मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ये भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ ईसा अलैहि सलाम की और ईसा अलैहि सलाम का जिक्र कुरान मजीद में भी है। इसीलिए मैंने कहा कि ईसा अलैहि सलाम को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और कई भविष्यवाणी बाइबल में है, मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, वो अगर आप देखेंगे तो इसका तस्करा डिटेल में मैंने किया है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वली कुल्ली अजलिन किताब, और हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की है। अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर दौर में एक किताब, एक वही नाजिल की है, लेकिन नाम से सिर्फ चार किताबों, चार वही का जिक्र है इस कुरान मजीद में, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वही है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, जबूर दाऊद अलैहि सलाम पर नाजिल हुई थी, इंजील ईसा अलैहि सलाम पर, और आखिरी वही कुरान आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। नाम से सिर्फ चार का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कई वही, कई किताबें हमने नाजिल की, मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम वगैरह। लेकिन जितनी भी किताबें, जितनी भी वही कुरान मजीद के पहले आई, वो सिर्फ एक कौम के लिए आई थी, सिर्फ एक उम्मत के लिए, और उसका सारा पैगाम महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी वही है, आखिरी किताब अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी गई थी, वो सारे इंसानियत के लिए भेजी गई थी। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा, हमने किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि वो इंसानियत को, सारी इंसानियत को अंधेरे से उजाले में ले जाए, रोशनी तक ले जाए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, ये कुरान नाजिल की गई है सारे इंसानियत के लिए, और लोग ये जान ले क्या एक ही खुदा है, और लोग ये समझ ले क्या ये इंसानियत के लिए, और द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो हिकमत वाले हैं वो ये जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185, रमदान वो महीना है जिसमें नाजिल हुआ था कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत बनकर, और ये क्राइटेरिया है जजमेंट के लिए, हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की चीज है कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़-ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 में, कुरान हमने नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर,
ताकि वो सारी इंसानियत को हिदायत दे। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल किया गया है सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ अरबों के लिए, लेकिन कहा गया है ये किताब हिदायत के लिए सारे इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में चैप्टर नंबर 1 बाब नंबर 1 हदीस नंबर 8 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस्लाम मबनी है 5 अरकान पर। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम के 5 अरकान हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम में 5 अरकान है। सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा अकीमुस्सलाह, तीसरा जकात, चौथा सौम और पांचवा हज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में 5 अरकान और ईसाइत में इकसानियत। सबसे पहला रुकन तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 177 में, नेकी ये ही नहीं है कि आप अपना चेहरा मगरिब या मशरिक की तरफ मोड़ लो, लेकिन नेकी ये ही है कि आप ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत पर, उसके मलाइका पर, उसके किताब पर और उसके नबियों पर, उसके पैगंबर पर और कदर। यह है ईमान के 6 अरकान। मैंने इस तकरीर के शुरू में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जहां अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से यहूद और नसारा से, तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, के हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वला नुशरिक भी शैयों, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम अल्लाह के साथ किसी और को रब ना ठहराए, अपने आपस में किसी और को रब ना ठहराए। फइन तवल्लो, अगर वो मुड़ जाए, फकुल शदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं, हम हमारी सारी रजा अल्लाह सुबहाना व ताला के हवाले करते हैं। ये कुरान मजीद की आयत मेरे नज़दीक मास्टर की है फॉर दावा, दावा करने की एक अहम आयत है। जब भी कोई गैर मुसलमान से आप बात करते हैं ये आयत बहुत अहम है। तालो इला कलमतिन सवा इम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुशरिक बिही शैया, हम किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें। कुरान मजीद में अल्लाह सुबहान तआला की तारीफ मुख्तसर से की गई है सूरह इख्लास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफ्वन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, वलम यकुल लहु कुफ्वन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतें जो कुरान मजीद में हैं सूरह इख्लास की, ये टचस्टोन है थियोलॉजी की, एक तलिस्मा है। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये शख्स खुदा है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये खुदा सही खुदा है कि नहीं, आप उसको सूरह इख्लास के बुनियाद पे तोले, जज हिम ऑन सूरह इख्लास, और अगर वो सूरह इख्लास के कंडीशंस जो भी शरायत है उसके ऊपर उतरता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं उसे मानने में कि वो खुदा है। और
یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیلو ادن الحین ادن خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ، سنو اے بنی اسرائیل ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے، وچ از دا فرسٹ آف دا کمانڈمنٹ، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا، جس کا ذکر ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادن الحین ادن خد، یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ، سنو اے اسرائیل ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایگزوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3-5، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7-9 میں، Thou shall have no other God besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shall not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. Iske maani hai, Thou shall have no other God besides me. Aap mere ilawa kisi aur ko khuda na banaye. Khuda farmate hai Bible mein, آپ میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بنائیں۔ Thou shall not make unto thee any graven image of anything of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. آپ کوئی بھی بت نہ بنائیں، کوئی بھی عکس نہ بنائیں، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں جیسی ہو، اس زمین پہ ہو، یا زمین کے نیچے پانی میں ہو۔ Thou shall not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. آپ نہ ان کو سجدہ کرو، نہ ان کی عبادت کرو، کیونکہ میں ایک خدا ہوں، جلن رکھنے والا خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں۔ قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، انہوں میں شرک باللہ، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ آپ کے لیے جنت حرام فرمائیں گا، آپ کے لیے جنت سورگ حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے صرف دوزخ کی انگار ہے، اور آخرت میں کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انہوں میں شرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی اور کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت heaven paradise is forbidden for him، جنت اس کے لئے حرام ہے، سورگ اس کے لئے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور وہ دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے لئے آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کئی عیسائی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، لیکن
मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं साफ तौर पे, एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में साफ तौर पे, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट, एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिगुअस बिना कोई शबह एक भी जुमला नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God, or where he says worship me, ek bhi bina shubah ek bhi saaf jumla nahi hai jahan Isa alaihi salam khud kehte hai ke main khuda hu, ya wo kehte hai ke meri ibadat karo. Bible ke bahut se versions hai, main talib e ilm hu Islam aur taqabul e mazahib ka, agar koi bhi isai कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला बिना कोई शक बिना कोई शबह जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे. आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन. मैं तैयार हूं अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, इसका जिक्र है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे महान है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे पिता सबसे महान है. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतान को भगाता हूं खुदा की मदद से. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं खुदा की उंगली से, मैं खुदा की मदद से शैतान को भगाता हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में ईसा अलैहि सलाम कहते, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं उस तरीके से मैं इंसाफ करता हूं. And my judgment is just. और मेरा इंसाफ सही है. For I seek not my will, but the will of my father. क्योंकि मैं मेरी रजा पे नहीं चलता हूं, मैं रजा पे चलता हूं खुदा की. और जो कोई कहता है कि मैं खुदा की रजा से चलता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहि सलाम मुस्लिम थे, मुसलमान थे. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया, कभी भी नहीं कहा कि मेरी इबादत करो. और साफ अंदाज से लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 में, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. E men of Israel, suno, e bani Israel, Isa alayhi salam, jo nasara the, wo ek aadmi the, aur Khuda ne unhe chuna aap logo ke beech mein se, aur aap khud uske gawah hai. साफ अल्फाज में लिखा है बाइबल में, ईसा अलैहि सलाम एक आदमी थे जिन्हें खुदा ने चुना और उनके जरिए चमत्कार किए. ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया. वो अल्लाह सुबहाना व ताला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे. और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान आया मातदू फल असमान हुसना,
आप चाहे पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला के अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं। और ये अल्फाज अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम हैं, अच्छे नाम हैं, कई जगह लिखा है कुरान मजीद में, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा, सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व ताला के बहुत अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं। और कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, 99 नाम हैं। मिसाल के तौर पे अर्रहमान, अर्रहीम, अल्हकीम, अल्खालिक, 99। और सबसे ऊंचा अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना क्यों पसंद करते? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह, इसे तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता जिस तरीके से बाकी जबानों के अल्फाज है। हम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड को अगर हम एस जोड़ते हैं हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जब हम गॉड को डी ई एस एस जोड़ते हैं तो हो जाता है गॉडेस, फीमेल गॉड, मुअन्नस खुदा। इस्लाम में अल्लाह का कोई जिन्स नहीं, ना मुअन्नस ना मुज़क्कर। जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह पिता, अल्लाह अब्बा नहीं है। जब हम गॉड को मदर जोड़ते हैं हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर, अल्लाह अम्मी या अल्लाह माता जैसी चीज नहीं है। इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारने। लेकिन जितने भी बाकी जबानों में तर्जुमा हो चुका है इसका, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे देव हो जाता है देवी, देवता, खुदा, खुदाओ, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। ईश्वर हो जाता है परमेश्वर। इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना। और ये नाम अल्लाह सारे अहम मजाहब की किताबों में मौजूद है। जितने भी अहम मजाहब हैं दुनिया में, उनके किताबों का मुताला करेंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह सुबहाना तआला का नाम मौजूद है। और अल्लाह का नाम बाइबल में भी मौजूद है। अगर आप पढ़ेंगे न्यू टेस्टमेंट, गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, और गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46, कि जब ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे, वो कहते हैं एल्लाय एल्लाय लमा सबक्तनी, हिब्रू कोटेशन है, एल्लाय एल्लाय लमा सबक्तनी, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। जब हम तर्जुमा करते हैं एल्लाय एल्लाय लमा सबक्तनी का अंग्रेजी में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ये मिलता जुलता नहीं है हिंदी या उर्दू में ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन जब अरबी में तर्जुमा करते हैं एल्लाय एल्लाय लमा सबक्तनी का, हो जाता है अल्लाह अल्लाह लिमा तरक्तनी। अरबी और हिब्रू जुड़वा जबान है, सिस्टर लैंग्वेजेस। हिब्रू में कहते एल्लाय, अरबी में कहते अल्लाह, मिलता जुलता है। और ये एक मौजजा है। आप जब कोई भी बाइबल का तर्जुमा पढ़ते, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में, उर्दू में हो, आप सिर्फ अंग्रेजी अल्फाज पाएंगे अंग्रेजी बाइबल में। लेकिन ये दो वर्सेस गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 एंड गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, इसका ओरिजिनल हिब्रू में जिक्र है। एल्लाय एल्लाय लमा सबक्तनी आप
सारे बाइबल के तर्जुमे में पाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, उर्दू हो, मराठी हो, अल्लाह रहमत सबकतनी मौजूद है, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते ओ गॉड व्हाई हैज़ थाउ फॉरसेकन मी, या ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। तो कोई भी बाइबल आप उठाएंगे आपको अल्लाह का लफ्ज उसमें पाएंगे, वरना अल्लाह ताला फरमाते आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन अच्छे नामों में से होना चाहिए, जिस नाम से अल्लाह ताला खुद पसंद करते अपने आप को बुलाना। यह था पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते, मदद के अलावा अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और अल्लाह से हिदायत भी पाते हैं। सलाह का तर्जुमा टू प्रे या मदद मांगना सही नहीं है। मैं पसंद करता हूं सलाह को कहना अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, या उर्दू में कहूंगा नेकी की तरफ ले जाने वाली चीज। क्योंकि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद पढ़ेंगे सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, जिसमें फरमाया गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसरु, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अनसाब वल अज़नामु, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिश्त मनमिली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फर्स्ट तनिबुल्लुकुम तुफलिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। इसमें हम हिदायत पा रहे हैं, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फाल मत खोलो। हो सकता है मिसाल के तौर पे इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 की तिलावत करते, जिसमें लिखा है रिश्वत मत दो। यहां हमें हिदायत मिल रही कि रिश्वत देना हराम है। इसीलिए मैं पसंद करता हूं सलाह का तर्जुमा करने के लिए प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, नेकी के तरफ ले जाने वाली चीज। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में उतलू मा हुम यायका मिनल किताबी व अकीमुस सलाता इन सलाता तन अनिल फाशाय वल मुनकर, आप तिलावत करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है और सलाह कायम करो, क्योंकि सलाह आपको बुराई से रोकती है और बेशर्मी से रोकती है। लेकिन जब आप आजान सुनेंगे और आप सलाह की तरफ जा रहे हैं और कोई आपसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, आप अगर कहेंगे आई एम गोइंग फॉर प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, आई एम गोइंग फॉर ब्रेन वॉशिंग, मैं जहन को बदलने जा रहा हूँ या मैं जहन की धुलाई करने जा रहा हूँ, अजीब लगता है। तो अंग्रेजी में अगर कोई कहता है कि आई एम गोइंग फॉर प्रेयर्स, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सलाह का सही तर्जुमा प्रेयर नहीं है, नमाज भी मुकम्मल तौर पे नहीं है। सलाह के सही मानिए सलाह, जिस तरीके से अल्लाह के सही तर्जुमा गॉड या खुदा नहीं है, लेकिन जब हम गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं उसको इस्लाम समझा रहे हैं और अल्लाह के बदले वर्ड गॉड या खुदा इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि खुदा या गॉड अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। इसी तरीके से टू प्रे इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन फॉर सलाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कम से कम आपको हर रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, सलाह कायम करना चाहिए। और इसका जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 78 और सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 130 में। जिस तरीके से डॉक्टर कहता है कि अच्छे जिस्म के लिए 3 बार खाना जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे ईमान के लिए, अच्छे सोल के लिए 5 टाइम 5 वक्त सलाह जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से फरमाया सूरह तहा में सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 से 12 में अल्लाह ताला फरमाते ए मूसा, जब मूसा अलैहि सलाम अंगार की तरफ जाते हैं तो एक आवाज आती है ए मूसा मैं तेरा रब हूं। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह पाक है,
तुआ की वादी है, आप अपने जूते निकालो। इसका जिक्र बाइबल में भी है, लिखा हुआ है बाइबल में, बुक ऑफ एग्जोडस चैप्टर नंबर 3:5 में, गॉड टेल्स टू मोसेस, पीस बी अपॉन हिम, डू नॉट नो हिदर, पुट ऑफ thy शूज फ्रॉम thy फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। आप नजदीक मत आओ, आप अपने पैरों से अपनी जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े हैं वो पाक जमीन है। इसका जिक्र फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7:33 में, डू नॉट नो हिदर, पुट ऑफ thy शूज फ्रॉम thy फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou स्टैंडेथ इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, अपनी जूतियां निकालो अपने पैरों में से, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हैं वो एक पाक जमीन है। इसीलिए सलाह के पहले हम अपने जूते निकालते हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका जिक्र है सुनन अबू दाऊद में, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह, बाब नंबर 240, हदीस नंबर 653, अमर इब्ने शुएब वो फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर। इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5:6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ढकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्द है। ये चीज बाइबल में भी आती है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एग्जोडस में चैप्टर नंबर 40:31-32 में, मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ अपने हाथ और अपने पैर धोते हैं और फिर अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब वो इबादत गाह में जाते हैं, अपने हाथ और पैर धोते हैं जिस तरीके से खुदा ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था। इसका जिक्र बुक ऑफ एक्ट्स में भी है, चैप्टर नंबर 21:26 में, जिसमें लिखा है पॉल आदमियों के साथ अपने आप को धोते हैं और फिर इबादतगाह में दाखिल होते हैं। बाइबल भी अगर आप पढ़ेंगे, इसमें जिक्र आता है कि सलाह के पहले वुदू करना फर्द है। और सलाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका जिक्र है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान, बाब नंबर 75, हदीस नंबर 692। यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते, हम जब सलाह के लिए खड़े होते थे तो हमारे कंधे, आवर शोल्डर्स, हमारे सहाबा के शोल्डर्स को टच होते थे। हमारे कंधे बाजू वाले कंधे को लगते थे, हमारे एड़ियां बाजू वाले एड़ियां को लगते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में, जिल्द नंबर 1 किताब सलाह, बाब नंबर 245, हदीस नंबर 666। अल्लाह के रसूल सलाह शुरू करने के पहले कहते हैं, अपनी कतार को सीधी करो, कंधे से कंधा मिलाओ और बीच में जगह मत छोड़ो शैतान के लिए। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो आप ओनिडा टीवी के एड में देखते हैं या जो म्यूजियम में देखते हैं जिसके दो सिंह होते हैं। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र कर रहे थे, वो शैतान जो ऊंच नीच का शैतान है, वो शैतान जो रंग का शैतान है, रंग के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान, जो माल के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान। चाहे अमीर इंसान नमाज पढ़ रहा है या गरीब इंसान, जब नमाज के लिए साथ में खड़ा होता है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। चाहे वो राजा हो या फकीर हो, अगर साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है।
वो शैतान का जिक्र कर रहे थे जो रंग का जात पात का शैतान, चाहे सफेद आदमी हो या काला आदमी हो, नमाज पढ़ रहा है साथ में कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है, येलो और ब्राउन, पीला या घेवा, जब नमाज के लिए खड़ा होता है, सलाह के लिए खड़ा होता है तो कंधे से कंधे मिलाना फर्ज है। और सलाह में सबसे अहम पोस्चर जो पोजीशन है वो है सुजूद की, सबसे अहम भाग सलाह का है सजदा। इसीलिए सजदा का जिक्र कुरान मजीद में कम से कम 92 टाइम्स 92 बार आया है कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में 43 या मरियम मुक्नुती रब्बी की वसजूदी वरकई मअर्राकीन, ए मेरी आप रुकू में जाओ, आप सजदे में जाओ और उनके साथ रुकू करो जो लोग रुकू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों आप रुकू में जाओ और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाओ। सजदा सबसे अहम भाग है सलाह का। इसीलिए सारे रसूलों सारे नबियों ने जब अल्लाह की इबादत की उनने सजदा किया। और इसका जिक्र बाइबल में भी है, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेथसेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। ऑल दिस वर्सेस से दैट दे फेल ऑन देयर फेस एंड दे प्रेड टू गॉड। अब्राहम पीस बी अपॉन हिम फेल ऑन हिज फेस, मोसेस एंड आरन पीस बी अपॉन देम फेल ऑन देयर फेस, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। अगर आप एक जिमनास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। इवन अ जिमनास्ट कैन नॉट डू बेटर देन द वे वी मुस्लिम्स डू by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग। उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे, फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे गरीबी दुनिया से हट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, सो दैट द वेल्थ डज नॉट सर्कुलेट ओनली अमंगस्ट द रिच। ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है, बाइबल में लिखा है फर्स्ट पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में गिव फर्वेंट चैरिटी फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन।
आप खैरात करो, क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्किरा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे फजर से लेकर मगरिब तक, वो परहेज करे खाने और पीने से रमजान के महीने में, फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है, तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोजा रखो। पांचवा रुकन इस्लाम का है हज। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है, उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए, मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और यह सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए, आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफू इन्न अक्रमकुम मिंदल्लाहि अत्तक़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, ब्रादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुबहाना व ताला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन, जिससे इंसान ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर, एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में
चैप्टर नंबर 84:4, 5, 6, 7 इसमें लिखा है, ब्लेसेड आर दोस पीपल दैट ट्रेवल टू द वैली ऑफ बेक्का, सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3:96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। ये था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाइत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं, इसको अगर आप मजबूती से अमल करें इंशाअल्लाह ढांचा इमारत भी अच्छी रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51:56 में, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत आता है लफ्ज अब से, जिसके मानी है बंदा। अगर हम अल्लाह का फरमान मानते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर हम हमारी रजा अल्लाह की रजा के हिसाब से चलते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5:90 में, या अय्यो लजीन आमनु, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्र वल मैसर, नशे वाली चीज शराब और जुआ, वल अनसाब वल अज़नाम, बुत परस्ती और फाल खोलना, रिश्त मुनमिली शैतान, ये शैतान की हरकत है, फजतनिबुल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। अगर हम शराब से परहेज करते हैं, जुए से, तो हम अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करते हैं। इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में चैप्टर नंबर 20:1 में, वाइन इज अ मॉकर, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इज रेजिंग, आप शराब मत पियो। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर नंबर 5:18 में, डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना व ताला 4 आयतों में फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2:173, सूरह मायदा सूरह नंबर 5:3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6:145 और सूरह नहल सूरह नंबर 16:115 में, हुर्रमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर का गोश्त, आपके लिए हराम है मरा हुआ जानवर, खून, खिंजीर सुअर का गोश्त, और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया वो आपके लिए हराम है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं इसका तस्करा बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 17:15 में, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14:21 में, ईट नॉट द मीट ऑफ दैट विच डाइथ ऑफ इटसेल्फ, आप मरे हुए जानवर का गोश्त मत खाओ। कम से कम 5 जगहों में लिखा है बाइबल में कि खून हराम है। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 9:4, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 17:14, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 12:16, 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 14:33 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15:29 में लिखा है कि खून हराम है आपके लिए। खिंजीर सुअर का गोश्त भी हराम है बाइबल में। लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11:7-8 में, द स्वाइन इट इज क्लोवन फुटेड एंड डिवाइड द हूफ, इट्स अनक्लीन फॉर यू, ईट नॉट इट्स फ्लैश नॉट टच इट्स कार्केस, इट्स अनक्लीन फॉर यू, सुअर आपके लिए हराम है, नजीस चीज है, ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। यह पैगाम दोहराया गया है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14:8 में, द स्वाइन दो इट डिवाइड द हूफ इट्स अनक्लीन फॉर यू, थाउ शैल नॉट ईट इट्स फ्लैश नॉट टच इट्स कार्केस।
सुअर एक नजीस चीज है, आप ना उसका गोश्त खाओ ना उसको हाथ लगाओ। सुअर का गोश्त खिंजीर खाना हराम में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2-5 में भी लिखा है। कम से कम 3 जगह लिखा है कि खिंजीर खाना, सुअर का गोश्त खाना हराम है बाइबल में। बाइबल में वो खाना जो अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो खाना हराम है, इसका जिक्र है बुक ऑफ रेवल्यूशन में चैप्टर नंबर 2:14 और बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 15:29 में कि गैर अल्लाह का खाना हराम है आपके लिए। जो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है वो आपके लिए हराम है। अगर आप अल्लाह के मुताबिक चलते हैं, अल्लाह का फरमान मानते हैं, तो आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर ईसाई आप उस शख्स को कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस बात पर अमल करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुस्लिम ईसाई से बेहतर ईसाई है, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सुअर का गोश्त नहीं खाते, और जो कुछ मैं बाइबल में जिक्र कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान से मिलता है, ये कुरान फुरकान है, हम उसको मानते। अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है आपसे कि हम मुसलमान ईसाई से बेहतर ईसाई है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माउन में सूरह नंबर 107 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप अपने पड़ोसी की खिदमत करो, जैसा बाइबल में आता है लव थाई नेबर। जब आप कोई तिजारत करते तो ईमानदारी से करो। कुरान में लिखा है सूरह हुमजा में सूरह नंबर 104 आयत नंबर 1 में वैलुल लिकुल्लि हुमजतिल लुमजा, लानत है वो लोगों पे जो गिबत करते हैं, तो गिबत करना हराम है। अगर आप गिबत नहीं करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23-24 में कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और अपने वालदेन की खिदमत करो, अपने माता पिता की खिदमत करो, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो उनको उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और अच्छे तरीके से बात करो और खुदा से दुआ करो, ऐ रब उनकी खिदमत कर जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला पोसा। अगर हम हमारे वालदेन की इज्जत करते, खिदमत करते, तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे। निकाह इस्लाम में फर्ज है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, ए नौजवानों जो कोई हैसियत रखता है शादी करने की, शादी करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो कोई शादी नहीं करता वो मुझ में से नहीं है। शादी करना फर्ज है, अगर हम शादी करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे। अल्लाह फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में आप अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ, अगर आप उनको नहीं चाहते फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर हम हमारे बीवियों से प्यार करते तो अल्लाह की इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32 में जिना के नजदीक मत आओ, क्योंकि जिना एक ऐसा गुनाह है जो बाकी गुनाहों के रास्ते खुलता है। अगर हम जिना से परहेज करते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे। अगर हम अल्लाह का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे। कुरान में हिजाब का तस्किरा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कह दो ईमान वालों से अपनी निगाह नीचे करे और अपनी आबरू को महफूज रखे। बाइबल में जिक्र आता है इसका गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5:27-28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स
thou shall not commit adultery. But I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. सुनो, आपको पहले कहा गया है कि आप जिना मत करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप कोई खातून को, अगर कोई लड़की को, औरत को बुरी नजर से देखते हैं, तो आप अपने दिल में जिना करते हैं। अगली आयत कुरान मजीद की सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते, कह दो ईमान वालियों से, मोमिन औरतों से, अपनी निगाह नीचे करे और अपना सिर ढाक ले कपड़े से और अपनी आबरू की हिफाजत करे। कुरान और हदीस में 6 नुक्ते हैं हिजाब के। पहला है सतर, एक्सटेंड, मर्द के लिए नाफ से घुटने तक ये कवर होना चाहिए, ये छुपा होना चाहिए। औरतों के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ वो दिखा सकते हैं, ये एक्सटेंट है नंबर 1। बाकी 5 चीजें मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नंबर, ऐसे कपड़े न पहने जो पतले हैं, जिसके थ्रू आप देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 3, इतने चुस्त कपड़े न पहने जिससे जिस्म का ढांचा दिख जाए। नंबर 4, ऐसे भड़कीले कपड़े ना पहने जो दूसरे जिन्स को मुतासर करे, डोंट वे ग्लैमरस क्लोथ सो दैट इट अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नंबर, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े ना पहने। और 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहने तो दूसरे जिन्स के है, आदमी औरत के कपड़े ना पहने और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। और ये सारी बातें हिजाब की बाइबल में भी इसका जिक्र है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 5 में, मेन शैल नॉट वे क्लोथ्स दैट विच पर्टेन टू अ वुमन एंड अ वुमन शैल नॉट वे क्लोथ्स दैट विच पर्टेन टू अ मैन, ऑल दोज हु डू दैट आर एन अबोमिनेशन टू दाय लॉर्ड। आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने, जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है। लिखा है 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, द वुमेन शुड बी ड्रेस्ड अप विद सोब्रायटी, विद शेम फेसेडनेस एंड मॉडेस्टी, दे शुड नॉट हैव ब्रेडेड हेयर और वे गोल्ड और पर्ल्स और कॉस्टली अरे। औरतें आबरू के साथ कपड़े पहने, अपनी इज्जत बचा के, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने। और वो कीमती कपड़े ना पहने, ना सोना पहने, ना ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड। और 1 कुरिंथियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में आता है कि वो औरत जो खुदा की इबादत कर रही है और अपना सिर नहीं ढाकती, उसका सिर मुंडवाना चाहिए। सिर ढाकना इतना अहम है ईसाइत में। अगर ईसाई उसे कहते हैं, उस शख्स को जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मुझे ये कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। खतना करना इस्लाम में सुन्नत है, बाइबल में इसका जिक्र है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में, खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज, एंड इब्राहिम सर्कमसाइज आइजैक ऑन द 8th डे। इब्राहिम अलैहि सलाम ने इशाक अलैहि सलाम की खतना की 8वें दिन पे। लिखा है गॉस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में, मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि खतना करना चाहिए। लिखा है गॉस्पल ऑफ लूक में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में, ईसा अलैहि सलाम की खतना 8वें दिन पे की गई थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा। यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव
द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम, ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहि सलाम के मानने वालों को। लेकिन ईसा अलैहि सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं। जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा है, उसे अरबी में हम कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहि सलाम एक अच्छे मुस्लिम थे। और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान की आयत से, सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं, सबसे ज्यादा चाहने वाले वो लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।